हाय गाइस, मैं अभी अभी बस आरव को पढ़ा के उठी हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं जो भी अपना यूट्यूब का काम शुरू करती हूँ उसको पढ़ाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फ्यूचर है पूरा। और आजकल ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम लोग को काफी टाइम देना पड़ता है, तो मैं जैसे बैठी हुई थी ना उसे पढ़ाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपके सामने आ गई हूँ गणपति लुक दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत फटाफट वाला लुक है और मैं एक्चुअली बहुत फटाफट करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन पूरा लुक देखे बिना मत जाइएगा, खास बात यह है बहुत पॉकेट फ्रेंडली लुक करने वाली हूँ, जल्दी हो जाने वाला। हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। जैसी मैं सादी एकदम आपको दिख रही हूँ ना, सब कुछ वैसा ही आसान और सादा होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें थोड़ा सा जो है ग्लैमर फैक्टर डाल देते हैं। सबसे पहले एक माइल्ड फेस वॉश से जो है मैंने अपने फेस को धो लिया है। आजकल मैं नीम फेस वॉश, मेरे थोड़े पिंपल्स आ रहे थे हिमालय का, वही यूज कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ये सनस्क्रीन, ये भी मैंने लगा ली है, लैक्मे की टिंटेड सनस्क्रीन, जो कि ऑफ लेट मेरी फेवरेट है। अब मैं बेस करने जा रही हूँ ये फिट मी मेबेलिन का, ये जो छोटा वाला पैक है ये जो है 299 रुपीज का मिल जाता है, 230 नंबर, और बड़े देसी स्टाइल से करने जा रही हूँ इसे मैं आज। मैंने पूरे फेस पे अच्छी तरह से डॉट्स लगा रही हूँ, लिटरली ना मैं ऐसे करने वाली हूँ, बहुत हल्के हाथ से जो है पूरे फेस पे इसको मसाज कर दूंगी। कोई ब्रश की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस हाथ अच्छे से सैनिटाइज होने चाहिए। और अगर आप लोगों को पीछे ये कुछ नजर आ रहा है जो एक कुछ लिख के मैंने टांगा हुआ है, इसकी मैंने रील भी बनाई थी। एक्चुअली ये मेरा बेडरूम है और ये मैं अपने बेटे को कुछ भी याद कराना होता है ना, तो अलग अलग कलर्स में उसके लिए लिख देती हूँ, चाहे वो कोई डिफिकल्ट वर्ड्स हो या कोई भी चीज़ हो। तो क्या है, कलर के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं ना वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अंडर आईज जस्ट डैप करेंगे और यही फिंगर्स जो है मैं आंखें ऊपर घुमा दूंगी, ऐसे हो गया हमारा बेस ऑलमोस्ट डन। बहुत हल्के हाथ से मसाज किए फ्रेंड्स मैंने, मैं इसे कुछ इलैबोरेट इसमें नहीं करना चाह रही हूं आज के मेकअप में, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करूंगी। अब मैं लगाने जा रही हूँ ये, इसे ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये लूज पाउडर कहते हैं, ये अगेन मेबेलिन फिट मी का है और ये शुगर का है व्हाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये दोनों ही जो है 550 से 600 तक की रेंज में, ये शायद 600 का है और ये 550 का है, लेकिन ये बहुत चलता है फ्रेंड्स, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, इसलिए काफी लंबे टाइम चलता है। तो आज मैं इनमें से लेट्स सी कौन सा लगाती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन मैंने मेबेलिन का लगाया तो मैंने सोचा चलो ये मेबेलिन का ही लगा लेते हैं। नंबर 25 है इसका, बस ब्रश से हल्का हल्का लगा दीजिए। मैं पाउडर पफ जो है इसलिए नहीं रिकमेंड करती हूँ कि बहुत ज्यादा पाउडर लग जाता है कई बार उससे, इससे हम वहीं लगाएंगे जहां हमें जरूरत है। डन, सब चलिए आईब्रोज कर लेते हैं। ये मिस क्लेयर का आईब्रो किट है, इसमें से ये जो डार्क वाला शेड है ना ये मेरे आईब्रोज के साथ जाता है, ये मैं यूज करती हूँ। अब यही पाउडर जो है जो मैंने आईब्रोज पे लगाया, यही मैं जो है अपनी लोअर आई लैशेस के नीचे लगाने जा रही हूँ काजल की जगह, उसी ब्रश से। ये जो मिस क्लेयर का ब्लश ऑन पैलेट है मुझे somehow बहुत पसंद है, वैसे मैं दूसरे ब्रांड्स भी यूज करती हूँ बट आई लाइक दिस वन। इसका ये जो पीच शेड है ना ये मुझे काफी अच्छा लगता है, बस ये मैं अपनी उंगली पे लूंगी और अपने आईलिड्स पे लगा दूंगी थोड़ा सा, और इसे ही अभी मैं ब्लश ऑन के उसमें भी लगा दूंगी।
वही शेड ये लिया मैंने ब्लश ऑन ब्रश पे और चीक्स पे लगा दिया। मेकअप को क्या है फ्रेंड्स, हम लोग बहुत कई बार कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और समझने भी लगते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर देते हैं, इसलिए अगर हम करना भी चाहें तो नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट लाइक पेंटिंग। कई पेंटर्स उंगलियों से पेंट करते हैं तो कई ब्रशेस से, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। This is Maybelline Colossal Liner। ये थोड़ा सा थिक लगा दूंगी मैं, क्योंकि नीचे जो है मैंने काजल वगैरह बहुत लाइट रखा है, सिर्फ वो जो ब्राउन पाउडर है वही लगाया था इसलिए। मोटा लाइनर करने के लिए पहले थोड़ा सा सॉकेट जैसा मैं ऐसे बना दे रही हूं, आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद इसे फिल कर दूंगी। बस अब मेबेलीन द कोलोसल बोल्ड मस्कारा फ्रेंड्स, जब कभी भी टाइम कम हो तो बस एक ब्राइट सी लिपस्टिक लगाइए, बाकी का मेकअप जो है एकदम नेचुरल छोड़ दीजिए, देखिए कैसे चेहरा खिल उठेगा। ओके, तो मैं भी करने जा रही हूँ एक ब्राइट सी लिपस्टिक अपनी साड़ी से मैचिंग। मैंने ये ऑरेंज कलर की पेंसिल ले ली है, प्लीज ब्रांड मत पूछेगा, मेरे पास पहले की थोड़ी रखी हुई थी, एक्सपायर्ड नहीं है लेकिन। और साथ में क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली लुक है, इसलिए मैं मिस क्लेयर की ही लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ, अगेन इन ऑरेंज शेड 349 नंबर है इसका। इसका भी लिंक मुझसे मत पूछेगा, मैंने शॉप से खरीदी थी इसलिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हाँ, मैं IGTV इंस्टाग्राम पे अनदर सेट ऑफ वीडियोस डालती हूँ, उन्हें भी देखिए। लिपस्टिक फ्रेंड्स मुझे बिना ब्रश से किए बिल्कुल मजा नहीं आता है। फुल लुक देखे बिना नहीं जाइएगा। और एक ब्राइट ग्रीन बिंदी, जैसे फटाफट वाला मेकअप किया है ना फ्रेंड्स, वैसे ही फटाफट वाला जूड़ा बनाने जा रही हूं मैं। बस उंगलियों से जो है मैंने बालों को थोड़ा सा सेट किया। पहले जो है आप बाल सारे आगे करके जो है बैक कॉम्बिंग कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा वो वाला शॉर्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए, जिसमें दिखाया है मैंने कि बालों को जो है बाउंसी कैसे बना सकते हैं इंस्टेंटली। बस हाथ से थोड़ा सेट किया, मैंने कुछ पतले वाले जो है रबर बैंड्स ले लिए हैं। ये है एक डोनट जो कि कहीं पे भी बहुत इजीली मिल जाता है। ये है एक आर्टिफिशियल गजरा, असली वाला लेने का टाइम नहीं मिला मुझे इसलिए। थोड़ा सा लिपस्टिक सिंदूर,
फ्रेंड्स, ये जो नेक पीस आप देख रहे हैं ये आभूषण की तरफ से मुझे आया है। पास से देखेंगे तो बिल्कुल असली लग रहा है, बहुत ही फाइन इमिटेशन ज्वेलरी है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा।